आपके अचीवमेंट और आपके जज्बे से हमने बिल्कुल कायल हो चुका हूँ आपका, और अगर तुम इतनी मोहब्बत दो तो सारा दौलत तो मैं लुटाते ही रहूंगा। दौलत नहीं चाहिए थी ना चाहिए। अभी मैं जब तुम्हारे चेहरों पे खुशियां देख रहा हूँ तो मैं देखता हूँ परिवार लोग आए हुए हैं, सेल्फियां खींच रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं मुझे कैसा फील हो रहा होगा। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई इमोशंस, पर बड़ा गजब फील हो रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी, मैं और हम 10-15 लोग गए थे सिंगापुर ड्रिल क्रूज। तो हम वहां रहे तो हमने एक ऐसे जीवन को जिया, 10-15 लीटर थे हम मेरे साथ, कि मतलब एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस। मतलब ऐसी भी दुनिया होती है, मैं भी पहली बार ही गया था आज से 2 साल पहले, मैं ऐसी भी दुनिया होती है, ऐसे भी क्लब होते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, ऐसे डेक होता है, स्विमिंग पूल समुद्र में। तो उस दिन ही मैंने सोचा था कि जैसा मैं खुद जीऊंगा ऐसा ही असली प्रेस का हर फैन। बताने क्यों ये कीड़ा है मुझे, अच्छा कीड़ा है। मैं अपने सभी लीडर को ये है भाई कीड़ा है और ये रहेगा भी, क्योंकि हर आदमी की जिंदगी में, वो भंडारी सर कह रहे थे ना, किक, हर आदमी की किक अलग अलग होती है। तो हर आदमी की किक अलग अलग होती है, मेरी जो किक है ना वो लोगों की खुशियों में, मेरे बैंक अकाउंट से लगती नहीं। मैं जो गाड़ी लेता हूँ वो गाड़ी सबको दिलवाता हूँ। अभी रामवीर सर ने ओटी ले रखी थी, मैंने जगवारी ने भी दिलवा दी, मगर तुम भी जगवार ले। मैं जो कपड़े पहनता हूँ वो भी सबको खरीदवाता हूँ, ये सब गवाह इस चीज के कि भाई तुम भी यही कपड़े पहनो। मैं जैसे घर में रहता हूँ ऐसा घर भी सबको खरीदवाता हूँ कि तुम भी अगर खरीदो। क्योंकि हर आदमी का जीवन को जीने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई दौलत के लिए जीता है, कोई शोहरत के लिए जीता है, और बस परमात्मा ने एक हिम्मत दी है। और सबसे ज्यादा हिम्मत ना, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं रियली बता रहा हूं, मुझे हिम्मत दी इस एसटीपीएस के फाइटर्स ने, इस परिवार ने। मतलब मैं लाख बार आपको नमन करूं, सलाम करूं, ये कोई चढ़ाने वाली बात नहीं कि मैं आपको मक्खन लगा रहा हूं पेड़ पे चढ़ा रहा हूं। मैं आपसे हद से ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूं, और रियली मैं अपनी जिंदगी आपको सौंप चुका हूं। अब जीना भी आपके लिए और मरना भी आपके लिए, क्योंकि कंपनियां बहुत आई बहुत गई, बहुत चल रही है, बहुत चलती जाएंगी, लेकिन जो हम चल रहे हैं ना वो कुछ अलग ही चल रहे हैं। जो हमारा टशन है ना वो कुछ अलग ही है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं यार। मैं छोटी सी कंपनी, 5 साल की कंपनी, 4 लाख लोग, 40,000 लोग शो में आ रहे हैं, ऐसा कभी 50 लाख लोगों की जो लोग हैं वहां भी नहीं आते, 4-4 लाख लोग, 40,000। और इधर तो बिना बोला हमेशा ओवर क्राउड होता है, और तुम आइटम क्या हो मेरी ये समझ नहीं। मेरे को जीवन पे अपने कैलकुलेशन पे 100% भरोसा रहता है। जो मैं सोचता हूँ वो करता हूँ कि भाई इतना टारगेट होगा, अगली साल इतना टर्नओवर होगा, इस महीने इतनी सेल आएगी, और मैं करके छोड़ता हूँ। पर भाई सर तुम तो सिस्टम ही ला दिया सारा मेरा भी। पूरे हफ्ते खत्म हो गए, 400 अचीवर वेबसाइट पे दिख रहे हैं, 15-16 हफ्ते का टारगेट है जी, 15 हफ्ते खत्म हो गए, 400 अचीवर दिख रहे। मैनेजमेंट के साथ बैठा, कोई अपना दिमाग लगा रहा, मैं चिंता नहीं, ज्यादा से ज्यादा 750-800 डबल ही तो कर देंगे। पर सर तुमने कहां छुपा रखे थे, किस पिटारे में निकाल निकाल के आगे रखते रहते हो। से 15 हफ्ते में 400, और 1 हफ्ते में 600 सीधे हजार। क्या कैलकुलेशन बिगाड़ा, रोल इंडिया वैकेशन बेचारा अपना धंधा छोड़ने को तैयार हो गया जी। मैं तो क्रूज का ट्रिप नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों, बोला सर आपने रूम तो 700 के बुक कराए, तुम खैर कैलकुलेशन बड़ा सेफ था। पर रियली तो मुझे भी अपसेट कर दिया सर।
कमाल की क्लोजिंग थी, कमाल का आपका जज्बा था और मैं तो बहुत खुश हूँ जितने सारे लोग हमारे आए और 100 लोग तो अभी 13 तारीख को आएंगे क्योंकि क्रूज में जगह ही नहीं मिली। पर यार इतनी बुरी तरह मत लिया तो। आगे पीछे आस पास थोड़ा बहुत तो समझो, मैनेजमेंट भी करना है, संभालना भी है। अभी एक आ रहा है मनाली 10,000, फिर एक आगे कह रहा 20,000, एक कह रहा 4,000, बताओ भाई कितनी बुकिंग करूं। मैं मनाली कैंसिल ही करूं यार, कोई मतलब ही कोई तरीका होता है, कोई समझदारी होती है, कोई सिस्टम से चलो यार। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे ये लग रहा है अविनाश मेरा काम कंपनी का काम छोड़ देगा क्योंकि अप्रैल में सीजन है। अब मैं से क्या बताऊं, 5,000 के होटल बुक करा, 6,000 के करा, क्योंकि अब मैं फेल हो गया कैलकुलेशन और तुम पास हो गए। वैसे आप सब अचीवर्स के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आना भी चाहता हूँ, आपसे मिलना भी चाहता हूँ, आपके साथ नाचना भी चाहता हूँ, फोटो भी खिंचाना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग इतनी मोहब्बत देते हैं सीधा गोली भर के पप्पी। सर मजा आ गया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। गलत होगा सर, मैंने थोड़ी पी रखी है, बुरा मत मानना सर, मैं कोई बात नहीं, वो रोग भी पी लिए भाई। तो भाई थोड़ा डर लगता है इसलिए चुपचाप अपने रूम में पड़े रहते हैं, क्योंकि गलती से मैं गोवा चला गया, मेरे को बड़ा शौक है अपने लोगों से मिलना चाहिए, लोगों से एक ग्रुप फंस गया जी, अरुण शर्मा वाला। हमने कहा बीच पे मीटिंग करेंगे, 4 बातें बताएंगे, हम चले गए, सबने पी रखी भंड, अविनाश को बड़ा 8-10 बाउंसर लेके चल, इज्जत बचा के ले आना, 8-10 बाउंसर भी साहब, जब मैं वहां घुसा बाउंसर कहा उनका पता नहीं, मैं स्टेज पे कैसे पहुंचा मुझे पता है, पूरे नखों से छील दिया सारा खाल खून, सब खून नाम खून कर दिया। और फिर जब मैं स्टेज पे आया तो स्टेज पे ऐसे पड़ गए, तो भाई राम बचाया तुमसे, दूर दूर से ठीक है। दूसरा मनाली से मैं थोड़ा टारगेट के पीछे पड़ा, क्वार्टरली टारगेट करो, मैं तो ये कह रहा टारगेट करो ब्लास्ट करो, ये थोड़ी बोल रहा। चार सौ से सीधा 1,000, मनाली कितने लाओगे सही से बता दो, क्यों मेरी धड़कन बढ़ा रहे हो, अरे आओ आप जितने भी लाओ हम संभालेंगे। परमात्मा आपके घरों में खुशियां दे, आपका जज्बा मेहनत हिम्मत हमेशा बनी रहे। 21 पैर कर सकते हो ना मेरे दोस्त, 210 भी कर सकते हो, 210 कर सकते हो तो 2100 भी कर सकते हो, और 2100 कर सकते हो तो 21,000 भी कर सकते हो। बस अपने आप से मत हारना, खुद से मत हारना, जीवन में वही जीतता है जो सबसे पहले खुद से जीतता है। और एक वादा यहां से करके जाना कि हम सब कुछ ही दिनों में अपनी अपनी फैमिली को अपने खर्चे पर चैलेंज में घुमाएंगे। बड़ी मर्दों वाली बात, जिंदगी मैंने जी है, ये जिंदगी अपने बीवी बच्चों को मैं किसी भी कीमत पे जरूर दिखाऊंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा। मुझे 100% यकीन आप ये करोगे। बाकी मार्केट में अब फोग नहीं चल रहा, अब हमारा खौफ चल रहा है, आया ना, वो तो दिखता भी होगा आप लोगों को, पूरे पूरे प्रोग्राम हमारे नाम के होने लग गए,
अपनी बात कम हमारी बात ज्यादा, जाके बताओ उन्हें संजीव सर को एक खौफ बहुत अच्छा लगा। और मेरा आपसे वादा है मेरे दोस्त, जितने लोग बैठे हो, ये वादा आपके हिम्मत से, आपके जज्बे से और आपकी वजह से मैं दुनिया को कर चुका हूं कि 2025 31 मार्च का सूरज जब छिपेगा, जब एथलीट हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी बनेगी। आपको अगले साल के अंदर अंदर, अगले 1.5 साल या 2 साल में 10,000 मीटर की एक फैक्ट्री और बना के दूंगा। आप लोगों के साथ काम करके रियली मजा आ रहा है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बस एक खुशी है कि आपके घरों में कामयाबी है। और चैलेंज करने वाला व्यक्ति, चैलेंज पे आ जाने वाला व्यक्ति, अरे गोवा गए मैं कहता हूं फेल हो जाओ, मनाली गए चलो वो लाइफ नहीं देखी, ये लग्जरी लाइफ 2 दिन जीने वाला आदमी मुझे पता है जिंदगी में कभी नहीं हारेगा, वो जिंदगी हर दिन जीना चाहेगा। yes or no? और मैं यही चाहता हूं कि SLPS में जो आज 950 लोग यहां पर आए, 975 लोग, हर घर में जयकार हो, हर घर में खूबसूरतता है। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो किसी भी प्रकार की, कोई माई का लाल साला इतना भी नहीं हिला सकता, किसी के अंदर किसी ताकत नहीं है। ऐसा है तुम्हारा संजीव सर, इतनी अपनी चलती है, अपने नाम का खौफ बहुत है, तो टेंशन वाली बात नहीं। तो खुल के खेलो, खुल के जियो, खुल के मेहनत करो। यार एक बात बताओ, तुम चैलेंज पे आके बीच समुद्र में है इस हॉल को हिला सकते हो, तो जो ठहरे हुए शहर है उनमें जाके तो कोहराम मचा सकते हो। ऐसा ना दोस्तों, ये आपका जीवन है, ये आपकी लाइफ है, इट्स योर लाइफ। देखिए यहाँ आने वाला हर लीडर आपको मोटिवेट करेगा, मैसेज देगा, किसी को लगता है मोटिवेट कर रहा है, किसी को लग रहा है हमें समझा रहा है, किसी को लग रहा है अपने लिए समझा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोग अपनी खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं और इनकी एक ही चाहत है कि जो ये लोग जिंदगी जी रहे हैं वही मेरा एक एक फाइटर जिंदगी जी। यदि आपकी अच्छी जिंदगी होने से हमारी सबकी जिंदगी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। और प्रोडक्ट के रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं, और बढ़िया आएंगे, चिंता ना करो, और क्वालिटी सुधार देंगे। तुम चिंता नहीं करो, आ जाएगा जल्दी आएगा, बहुत दिन हो गए, बहुत डिमांड है उसकी, नहीं आईडी चल रही है। हम कुछ भी ऐसे नहीं ला सकते ना कि भाई कोई प्रोडक्ट को जब तक हम अपने आप से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक हम बाजार में नहीं लाते। और जितने भी अभी प्रोडक्ट आए ये भी धुआंधार है, yes or no? और जितने आगे भी आएंगे वो भी धुआंधार आएंगे। बैटिंग छक्को छक्को की होगी, हेट्टो छक्को की चौके फोकाने वाले बैटिंग होगी, तगड़े वाले बैटिंग करेंगे, धुआंधार पसंद मारिए। और सुन लो, एक सपना मेरा और देखा मैंने आज छोटा सा, बैठे बैठे मैं तो ये देखता रहता तुम्हें सुन के, अगला ट्रिप मनाली और इससे पासपोर्ट बनवा लेना भाई, अगला ट्रिप मनाली और उससे अगला ट्रिप विदेश, और विदेश में भी नेपाल नहीं, बढ़िया विदेश। और SLPS वेलनेस जुलाई अगस्त में विदेश में 1500 लोगों का शो करेगी, और मैं तुम्हें विदेश का मनाली के बाद सीधा विदेश का टारगेट देने वाला हूँ। हम पहले हल्ला कार्य कुछ भी बोलो,
पासपोर्ट तैयार रखना, तैयार हो जाएगा। और किसी ने कहा तुम्हारा चैलेंज देना, दूंगा खैरो, इस बार चैलेंज दूंगा नहीं, इस बार जेलेस वालों से पूरा जेलेस लूंगा। बस थोड़े मजबूत हो जाना इस बार। जब भी आएगा जेलेस तो जेलेस इनसे पूरा लेंगे, मुझे कोई भी इधर उधर लफड़ा चपड़ा पसंद। अपने लोग जितने जी हैं जहाँ बैठा होना चाहिए, असली फेस में अपना फाइटर बैठा होना चाहिए, जेलेस में ले लेंगे जिम्मेदारी मेरी। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, विश यू बेस्ट ऑफ लक, जाओ एंजॉय करो, दारू थप्पड़ खूब पियो, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। ठीक है, आए हो मजे लेने आए हो, कई फाइटर बियर पूरा ऐसे पी के चलते हैं जैसे मैं दिखता हूँ। सेल्फी ले लेते गुरु जी, अब सेल्फी कैसे लेगा, आप अनुभव कर ले जी हो जिंदगी। एसएफएस का जन्म ही दुनिया को जिंदगी जीने के लिए हुआ है, जी हो जिंदगी।